रमजान 2021 फिर एक बार कोरोना काल में आया है, लेकिन इस बार पिछले वर्ष की तुलना में परिस्थिति ज्यादा गंभीर है। प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, वैक्सीन व वेंटिलेटर की कमी है। प्राइवेट अस्पतालों में जगह मिले तो 5-10 लाख का खर्चा हो रहा है। शहर में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 7,200 व मरने वालों का आंकड़ा 70 से 75 पर पहुंच गया है। ऐसे में हमें अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना चाहिए। हमें राज्य सरकार व मनपा के आदेशों का पालन करते हुए रमजान की इस पवित्र माह में सहरी, नमाज, इफ्तार व इबादत करनी चाहिए। हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। ऐसी अपील उप जिलाध्यक्ष युवक कांग्रेस वसीम खान द्वारा की गई है। बाइट वसीम खान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आप सभी को रमजान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं वसीम खान, नागपुर शहर जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष। जैसे कि आप सब जानते हैं, फिर एक बार रमजान करीम कोरोना काल में आया है, लेकिन इस बार परिस्थिति पहले से ज़्यादा गंभीर है। इस बार का हालत ऐसी है कि प्राइवेट व गवर्नमेंट अस्पतालों में जगह नहीं है। प्राइवेट व गवर्नमेंट अस्पतालों में बेड की कमी है, वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। प्राइवेट अस्पतालों में बहुत हाथ पैर मारे तो वहाँ 5-10 लाख का खर्चा बताते हैं, उसमें भी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरी आप सबसे महत्वपूर्ण गुजारिश है कि आप इस कोरोना काल में राज्य सरकार व मानपा की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए रमजान करीम की इबादतें घर पे करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत घर पे करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए। हालत बहुत बस से बदतर हो गई है। अभी शहर में 7,000 से 7,500 का आंकड़ा हो गया कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का, वह मरने वालों की संख्या 70 से 75 तक छू रही है। हालत इतनी गंभीर है कि हमने खुद, मैंने, मेरे दोस्तों ने, हमने, हमारे कई ऐसे जान पहचान के कई बिना जान पहचान के लोगों को अमरावती में एडमिट कराया। हमारे एरिया के लोगों को हमने गढ़चिरौली तक भेजा है। तो आप सोचिए दोस्तों, हालत क्या है। अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें, फिर तभी जाकर हम अपने एतराफ़ का, अपने एरिया का, अपने जान पहचान के लोगों का ध्यान रख सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इफ्तार व सहरी की पार्टी का आयोजन ना करें, अपने घरों पर ही रोज़ा इफ्तार करें, अपने घर वालों के साथ करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप लोगों की मदद करें, वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, मुसलमान हो, ये सब हमारे भाई हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका, ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात रमज़ान महीने में निकालना ही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सबकी मदद करिए, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करना भी इबादत है। इसलिए दोस्तों, सबकी मदद करिए। और मैं एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर आपसे ये इल्तिजा करूँगा कि प्लीज़ इसको मजाक में ना लीजिए। जो चौक पे, जो एरियो में रात रात भर दोस्त भाई लड़के जो बैठ रहे हैं, ना बैठे। आप एक अकेले नहीं है, आप एक अकेले इस बीमारी को लाएंगे, आपका घर पूरा इससे जूझ रहा है। आज आप देख रहे हो कि एक पेशेंट है, उसके घर वाले कैसे, आज मेडिकल के पास जाकर देखो, आप जीएमसी के पास देखो, मरीजों के जो पेरेंट्स लोग हैं, जो घर वाले हैं, वो बेचारे फुटपाथ पे सो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपसे जितना हो सके ऐसे लोगों का खाने का इंतजाम करिए, जो उनको लग रहा है। हम लोग तो कर रही है, मैं कर रही हूँ, आप भी करिए, ये भी एक इबादत है। और ज़्यादा से ज़्यादा घरों पे इबादत करें, घरों पे नमाज़ पढ़े, घरों पे तिलावतें करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये हिंदुस्तान से व पूरी दुनिया से इस वबा को, इस COVID-19 कोरोना वायरस को निकाल दे। सभी के लिए दुआ करिए, जो बीमार हाल है, बेहाल है, उनके लिए दुआ करिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके हाल सुधर जाए। और जितना हो सके मदद करिए, मानपा और राज्य सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखिए। कुछ ऐसा काम ना करें जिससे आप और आपका पूरा परिवार नुकसान में आ जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ दोस्तों, इसे मजाक में ना लीजिए। जिसके घर पे बीत रहा है वो बेहतर जानता है दोस्तों। इसलिए एक और बार आपसे गुजारिश करूँगा कि घर पे इबादत करें, घर पे रमज़ान के रोज़े रखें, और इस रमज़ान करीम के माह के सदक़े में अल्लाह से दुआ करें कि ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए। बस, अस्सलामु अलैकुम।